तो दोस्तों आज हम आपको जामुन के कुछ चमत्कारी फायदों के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात, वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों जामुन सभी लोग खाते हैं। तो अगर आप जामुन खाना ही चाहते हैं तो खाने का तरीका समझ लीजिए और इससे खाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं इसे भी सुनते जरा जाइए। सबसे पहला बात, पाचन क्रिया को ठीक करता है जामुन। जामुन खाने से पेट से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाती है। चूँकि दोस्तों गर्मी के मौसम में जितने भी फल सब्जियां पाए जाते हैं वह लूह से बचाते हैं। गर्मी के मौसम में बहुत ही तेज़ हवाएं चलती है, गर्म हवाएं चलती है, तो उससे हमारे शरीर को बचाने के लिए ये फल हमें मिलते हैं और ये प्राकृतिक के रूप में बिल्कुल मुफ्त में मिलते हैं। अगर आपके घर में, गांव में, कहीं पर भी है तो आप इसे मुफ्त में खा सकते हैं। अगर आप बाज़ार में हैं तो आप खरीद करके खा सकते हैं। तो हमने जाना इससे पाचन क्रिया में सुधार होता है। इसके बाद दोस्तों मधुमेह यानी कि शुगर, डायबिटीज, मधुमेह के रोगियों के लिए जामुन एक रामबाण उपाय है। जामुन के बीजों को सुखाकर इसे पीस करके पाउडर बना करके अगर आप मधुमेह के रोगियों को देते हैं तो उनसे उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। तो जैसे ही आप इसे खाएंगे तो इसके अंदर गुठले निकलता है, बीज निकलता है, इसे पीस करके डायबिटीज में दवाई बनता है। इसके बाद दोस्तों मधुमेह के अलावा इसमें कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिसके इस्तेमाल से आप पथरी की समस्या को दूर कर सकते हैं। इसके बीज को बारीक पीसकर पानी या दही के साथ लेने से आप पथरी की समस्या को दूर कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को दस्त हो गया है, बार बार उल्टियाँ आ रही है और वह रुक नहीं रहा है, तो दोस्तों जामुन को सेंधा नमक के साथ खाना बहुत ही फायदेमंद होता है। दांतों और मसूलों से जुड़ी हुई समस्याओं के समाधान में विशेष तौर पर अगर आप चाहते हैं आपको प्राकृतिक मंजन यानी कि दांतों को साफ करने वाला मंजन मिल जाए तो आप इसके गुठलियों को सुखा करके पीस करके मंजन के रूप में तैयार कर सकते हैं। इससे आप अपने दांतों को जब साफ करेंगे तो आपके दांत सफ़ेद हो जाएंगे और मसूड़े भी स्वस्थ हो जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों में, दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम आपको मिलते हैं ऐसे ही किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।